नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। जावा मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग को लेकर बाजार काफी गर्म है। लोग काफी उत्सुकता से इस 60 के दशक की बाइक को देखने का इंतजार कर रहे हैं। बाइक के लुक को देखकर आप इसकी खासियत का अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में सामने आए कुछ पिक्चर्स में इस बाइक के डिजाइन के सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। आइए आपको बताते हैं कि इसके खास फीचर्स के बारे में। बाइक में नई तरीके डिजाइन को हेडलाइट दिखाई दे रहे हैं और बाइक के फ्यूल टैंक पर ड्यूल कलर टोन और फ्लेयर्ड मडगार्ड इसके स्टाइल में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। फिलहाल जो बाइक सामने आई है वो है मरून रंग में। बाइक की लंबाई पहले से काफी बढ़ा दी गई है, यानी कि कहा जा सकता है कि इस बाइक को देखकर आपको रेट्रो बाइक जैसा एहसास होगा। फिलहाल इसके आने वाले रंगों को लेकर अभी कंपनी ने कोई खुलासा नहीं किया है। सबसे पहले इस बाइक को सन 1960 में आइडल जावा लिमिटेड कंपनी ने चेकोस्लोवाकिया की कंपनी जावा मोटर्स से लाइसेंस लेकर बनाया था। 60 के दशक में ये 250 सीसी की मोटरसाइकिल बेहतरीन माइलेज के लिए प्रसिद्ध थी। इस जावा मोटरसाइकिल ने पूरे 30 सालों तक अपने सामने किसी को टिकने नहीं दिया। इस बाइक में 2 स्ट्रोक और 2 साइलेंसर दिए गए थे और एक बार फिर ये बाजार में तहलका मचाने को तैयार है। कुछ समय पहले इसके इंजन की जानकारी सामने आई थी। दमदार बाइक चलाने के शौकीनों के लिए ये बाइक सदाबहार है, जिसमें 293 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाएगा। ये इंजन 27 HP की पावर है और 28 Nm का इसमें टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ ही इस इंजन को 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ बनाया गया है। बाइक के इंजन को रेट्रो रखने के लिए इसमें पहले वाले ही एग्जॉस्ट सिस्टम कंपनी देगी। लॉन्च होने वाली ये बाइक आते ही सबसे पहले रॉयल एनफील्ड को मात दे सकती है। साथ ही इस बाइक के सेगमेंट पर हार्ले डेविडसन और टाइफ जैसी बाइकें भी नजर गड़ाए हुए हैं। जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।